अर्धकुंवारी भवन। और ये गए सारे के सारे हम जा। ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हो ये है नया रास्ता, और नया रास्ता ये यहाँ पे आके मिल गया सारा कोट मार्ग, और ऊपर जा रहे हैं वैश माता के दरबार में। अर्धकुंवारी से ऊपर की चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो अभी हमें अर्धकुंवारी से चल के दो तीन चक्कर चल के और ये बैठ गए थे ये बैठ गए हरी नाना की चना फोटो खींच दिए। बस अरे हम चल हाँ ऊपर चढ़ाई पे धीरे धीरे चल गए। भवन का पहला दर्शन, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जयकारे लगाते हुए। तो अब हम भवन पे पहुंच चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कितना मस्त प्रसाद ले लिए पीछे ले रही होगी। तो
दोस्तों अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं। दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो गए थे सबके, और सभी अब जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। वो हम जाएंगे पालकी में। मैं थोड़ी सी पीछे रह गई हूँ क्योंकि मैंने ना चप्पल वगैरह नहीं पहन रखे, नंगे पैर हैं, तो इसलिए चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर कोई नहीं। जय माता दी। तो दोस्तों अभी हम पूरे 7 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। रोप वे बंद हो चुका था तो अभी सब पैदल जा रहे हैं। तो चलिए लेते हैं सफ़र का मजा। तो अभी सीढ़ियाँ लेने की सोच रहे हैं जो 350। 7 आएंगे, 7 हैं। ये तो पहला है, ये तो पहला है, दूसरा होगा यो। बच्ची की लाइट चलती हुई जा रही है पैरों में। ओए चुटकू, जलाइए बेटा एक बार लाइट तेरे पैरों की, तेरे सुजा की। आ चुके हैं और भीड़ देखिए, रात के बज चुके हैं 9 और इधर भीड़ देखिए। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अब हम वहाँ जा रहे हैं और वहीं पे चप्पल जूते निकालेंगे, फिर वहीं से दर्शन करके और वहीं से नीचे की तरफ चले जाएंगे। हम सब भैरव बाबा के दर्शन कर चुके हैं और जो पीछे जो सामने आप ये लाइट देख रहे हो, ये है माता वैष्णो देवी का दरबार जो भैरव बाबा से बिल्कुल बिल्कुल सामने से दिख रहा है। और ये जो व्यू है ये भैरव बाबा का व्यू है, और ये देखिए पीछे बिल्कुल बहुत ही सुंदर भवन। और दर्शन हो चुके हैं हमारे कंप्लीट और अब हम जाएंगे नीचे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। नीचे कटरा शहर रात का व्यू। अभी जो है हमारे दुकारी पे हमने ना आया है, रेफ्रेशमेंट लेंगे, अभी खाना खाएंगे। उन्होंने जो है जो मेरे साथ थी लेडीज है वो नहीं आ रही थी। हम चारों ना आ चुके हैं, फिर अभी खाना खाने जा रहे हैं। माता अर्धकुंवारी और हमारा नंबर है 153 और अभी चल रहा है 86। ये चुप होगी ना तो पूरा नाम बता दो। आप चुप रहोगे तभी आप नाम बता पाओगे। मैं बताती हूँ ये गलत मसाला डोसा शाही पनीर बटर रोटी चिली पनीर ग्रेवी 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 नहीं बोला भाई पर इतना फ्राइड राइस किसकी ग्रेवी। ऑर्डर हमारा आ गया है परी छवि और नवीन ने लिया। क्या आ गया? अच्छा इन दोनों का आ गया, दिखाना। बैठ जाओ, बैठो, रुको, रुक जा चमी। मैं डोसा भी आ गया, तेरी रोटी, ये मसाला डोसा और ये है सागर रत्ना का चिली पनीर, और ये है चिली पनीर। मम्मी मैं इसे काट के दिखाऊं सही से? रुको रुको रुको, और ये फ्राइड राइस, रुक जाओ। ये यहाँ पे सागर रत्ना पे हमने लिया मसाला डोसा। ये देखिए फीलिंग कितनी बढ़िया है, फीलिंग ही नहीं दिख रही, भर भर के डाल रखा है मैंने। ये देखो ये नारियल की चटनी और ये सांभर। ये है हमने फ्राइड राइस, इसमें मिक्स वेज है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और ये लिया है हमने चिली पनीर। और ये आ गए नवीन की आ गई रोटियाँ। और सब्जी क्या है, सब्जी क्या परी क्या मंगाया?
और पनीर की सब्जी। इसको आग लग रही है। अब ये बोल रही है कि चार हैं, मम्मी पापा परी और छवि। मम्मी मेरे पास ना इस पे ना वो ऐसे ऐसे काटने का दिखाऊं? नो बता देंगे देखो ऐसे क्रॉकली मतलब कि ऐसे चम्मच ली और ऐसे फोक से ऐसे लगाते हैं और चम्मच से कटर आता है इसका चाकू। और ये आ गया पूरा का पूरा खाना। ये आ गया पनीर, हटो। ये आ गया पनीर नवीन का और ये रोटी। और अब ये सारा का सारा हम खाएंगे। ये पनीर, शाही पनीर, इसकी डेकोरेशन देखिए कितनी अच्छी है। राइस इन्होंने डाल दिए, हाफ हाफ कर दिया। कैसे बने? अच्छे लगे, मजा आ गया, यम्मी यम्मी। अभी खा रही हूँ मैं भी खा रही हूँ। अभी ये खाएंगे आइसक्रीम। और ये है गोले खीर मलाई की। इधर आ जाओ बोलू, उधर बैठो। सारी खा गए? अच्छी लगी। छवि की फेवरेट नहीं है आइसक्रीम। इच्छा पूर्णिमा भगवती मंदिर। जय माँ भगवती की। सबसे पहले दर्शन इन्हीं के किए जाते हैं।